ये लकड़ी जा रही है और ये लकड़ी प्राइवेट गाड़ी है उसमें जा रही है और इनके पास किसी किस्म का कोई कार्ड या लेटर नहीं है। ये आपका बंदा लकड़ी लेके जा रहा है, पता नहीं आपका बंदा है कौन है, हमें क्या पता, सरकारी बंदा है, गाड़ी प्राइवेट है। हम इसके साथ हमारा वास्ता नहीं है, बल्दिया के नहीं है आप? नहीं नहीं, यहाँ पे बल्दिया का कोई बंदा नहीं है, ठेकेदार को अभी दालन के साथ कोई भी नहीं है। झूठ बोलकर कि ये लकड़ी हम ले जा रहे हैं बल्दिया के ऑफिस में। ये जो है कितनी गाड़ियां गई यहाँ से? ये पहला गाड़ी है। पहला गाड़ी? हाँ। नहीं, लकड़ी बहुत है यहाँ पे, बहुत लकड़ी। भाई कल भी कटेगा ये सारा, कटेगा नहीं ये पूरा पूरा साफ। किसके आर्डर से? एडमिनिस्ट्रेटर के, म्यूनिसिपल कमिश्नर के, वासा के, किस अफसर के कहने से? ये उसकी कहने से हो रहा है, क्या नाम उसका, बल्दियांग वाले से, क्या नाम उसका यार, डीसी का आर्डर से। डीसी के आर्डर? हाँ, डीसी साहब के आर्डर से। हाँ, ये पूरा कंफर्म, ये सब साहब के आर्डर से हो रहा है। फवाद साहब के आर्डर से ये कह रहे हैं कि आर्डर ये हो रहा है, ये लकड़ी जा रही है बल्दिया के ऑफिस में, बल्दिया के ऑफिस में लकड़ी जा रही है। गाड़ी का नंबर है KP470702, सिंध प्राइवेट नंबर है। बल्दिया के पास इतनी गाड़ियां हैं, इनके जो है वो उनकी गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल की जा रही है? ये प्राइवेट गाड़ी में लकड़ी कहाँ ले जा रहे हैं? इसका ड्राइवर कौन है? इधर बताएं जी, गाड़ी कहाँ से आई, किसने कराई, क्या कराया? मैं तो किराए पे आया हूँ। कहाँ लेके जा रहे हैं? ये बल्दिया पे कहीं जमा कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे लेके जाएंगे। प्राइवेट गाड़ी में? हाँ। तो इधर जरा देखे, बल्दिया पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, तो ये खड़े हुए ना साहब, ये खड़ा ट्रिप हो गए आपके? मैं तो पहले चक्कर पे आया हूँ। आप पहले चक्कर पे? अच्छा, इतनी पक्की बांधी आपने लकड़ियाँ, और बल्दिया ऑफिस कहाँ पे, कितनी दूर है? ये उधर जाएगा ना, लतीफाबाद में बता रहे हैं, लतीफाबाद जाएगा। अच्छा जी, लतीफाबाद जाएगा, किस जगह जाएगा ये पता करते हैं थोड़ा सा। जी 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 जी, कौन साहब है? अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? हेड माली साबिर भाई। ये यहाँ पर ये जो लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, ये जो अपना इधर से गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में लकड़ियाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं लकड़ियाँ? ये जो गाड़ी है, यहाँ पे दरख्त काटे गए हैं आपके HDA के प्लाट में, ये लकड़ी कहाँ जा रही है, किसके कहने पे जा रही है, किसके आर्डर से जा रही है, कोई इसका सरकारी लेटर वेटर है या नहीं है? सरफाई तो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो लकड़ियाँ जा रही है, तो पूरी गाड़ी लोड हो रही है, मजदा लोड है गाड़ी का, ये कहाँ जा रहा है जी? आप कह रहे हैं मजदूरी में दी है, वो कह रहे हैं कि बल्दिया ऑफिस जा रही है, ये कौन सी बात हो गई? कहाँ लेके आते हैं? पौने सात पे। प्राइवेट गाड़ी आपकी, देखें मैं मीडिया से हूँ, मैं एशियन न्यूज़ से बात कर रहा हूँ, गाड़ी आपके पास, बल्दिया के पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन आप प्राइवेट गाड़ी में ये लकड़ी लेकर जा रहे हैं, सरकारी लकड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं? तो भाईजान, इसका कोई लेटर वेटर तो है नहीं इनके पास, कैसे लेके जा रहे हैं? कोई तरीक़ेकार नहीं है, यानी कि कल मैं गाड़ी ले आऊँ यहाँ से, सामान सारा पड़ा हुआ है, ये पीछे कबाड़ दिखाओ भाई, इतना कबाड़ पड़ा हुआ है, यहाँ का चौकीदार कौन है, मैं उससे ज़रा पूछूँ, कोई लेटर तो इनके पास है नहीं मेरी भाई, मेरी जान। सर जी, आपका बंदा लकड़ी लेके जा रहा है, पता नहीं आपका बंदा है कौन है, हमें क्या पता, सरकारी बंदा है, गाड़ी प्राइवेट है, लकड़ी यहाँ से जा रही है, सरकारी लकड़ी यहाँ से, कोई भी ये सामान, इतनी गाड़ियाँ कबाड़ पड़ा हुआ है, ये सारा कोई लेके चला जाए तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, कोई भी लोड करके ले जाए? तो ये जो बंदा है, इसके पास ये क्या बल्दिया का मुलाजिम है? आपके बयान के मुताबिक ये प्राइवेट, ये बल्दिया का बंदा नहीं है, प्राइवेट है, वो कहता है मैं मुलाजिम हूँ, उसके पास कार्ड भी नहीं है। आप तो मुलाजिम है, ठीक है, आप हेड मौली हैं? अच्छा, कहाँ, बल्दिया सिटी में बैठते हैं आप? अच्छा जी, सारा से आप सारा बाज़ार ये सारा दिखा दो ग्राउंड, इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बल्दिया की और इसकी, पूरे ग्राउंड में यहाँ से लकड़ियाँ काट के ले जा रहे हैं प्राइवेट गाड़ी में, जिसका नंबर है KP4702, और इनके जो साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैं बल्दिया का मुलाजिम हूँ, और जिनसे मेरी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि ये मुलाजिम नहीं, कॉन्ट्रेक्टर हैं। कॉन्ट्रेक्टर है भाई, इससे कॉन्ट्रेक्टर मतलब है? अभी आपका बयान रिकॉर्ड भरे, आपने कहा कि मैं मुलाजिम हूँ बल्दिया का। मुलाजिम
ता अभी कॉन्ट्रेक्टर है अभी, मतलब जो कटवा रहा है ना, जो मैं वही काट रहे, जो मुसीबत में जो है उसी कटवा रहा है अभी। जंगल मेरा पूरा साफ करने के लिए। नहीं नहीं, मुसीबत में कौन है भाई? ये जंगल साफ करने के लिए। जंगल तो साफ जब होगा, जब इतनी लकड़ियाँ पड़ी है वो साफ होंगे ना। पहले इतना सामान पड़ा हुआ है उसको आप कराएंगे ना? पीछे से आप बल्दिया से नहीं कट रहे, हमारे को बुला रहे। अच्छा जी, ये मामला अब आपका आएगा, देखते हैं कि इसकी कितनी सफाई देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि सरकारी यहाँ पर बहुत कीमती सामान पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ से लकड़ियाँ जा रही हैं। सरकारी गाड़ी नहीं है, प्राइवेट गाड़ी, उसमें लकड़ियाँ जा रही हैं। ये लकड़ियाँ कहाँ जा रही हैं मुझे नहीं पता। हम इनके पीछे जाएंगे कि ये लकड़ी कहाँ लेके जाएंगे। ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हम भी जाएंगे। चले हमारे साथ रहे। हम इसके साथ हमारा वास्ता नहीं है। बल्दिया के नहीं है आप? नहीं नहीं, यहाँ पे बल्दिया को कोई बंदा नहीं है, ठेकेदार को अभी दालन साथ कोई भी नहीं है। अब यहाँ से अगर कोई ये इंजन वगैरह ट्राली वगैरह लोड करेगा आप उसको रोकेंगे तो नहीं? जी मैं रुकूंगा। नहीं नहीं, ये जो सामान पड़ा है उसके लिए रोकेंगे आप? जी। और ये लकड़ी ले रहे हैं उसके लिए नहीं? इसके लिए उन लोगों ने इजाजत दिया हुआ है ना सर, ये सफा करो, इधर ये माल उठाएगा। आपको लेटर वेटर दिया? नहीं, हमारे को लेटर नहीं दिया। आपसे कहे बगैर पूछे चला गया, इल्जाम आप पे है कि आपने बेची है। एक बात करता हूँ मैं, वो तुम्हारा अब नहीं, तुम्हारा अपना बात अपना जगह भी सही है, लेकिन हमने उन लोगों को इतला दिया हुआ है। अच्छा, ये काटने वाला है, ये इधर माल काट रहा है। अच्छा। बोला काटने दो, ये डीसी साहब ने आर्डर दिया। डीसी साहब ने आर्डर? जी डीसी साहब ने आर्डर दिया। ये यहाँ पे चौकीदार ने कन्फर्म किया। वहाँ पे जब मैंने ड्राइवर से बात की उसने भी इस हवाले से बात की, लेकिन मुझे जो डाउट है और जिस बात का मुझे डाउट है वो ये है कि इस इलाके में बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये लकड़ी जा रही है और ये लकड़ी प्राइवेट गाड़ी है उसमें जा रही है, और इनके पास किसी किस्म का कोई कार्ड या लेटर नहीं है। मज़ीद आगे देखते हैं कि क्या होता है इस गाड़ी का। बल्दिया का यहाँ पे गोदाम तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे लकड़ी का कहा जा रहा है। यहाँ पर रेलवे का गोदाम मिला, पकवान सेंटर मिले, पकवान सेंटर भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं बल्दिया वाले तो मुझे बल्दिया का गोदाम नज़र नहीं आ रहा कि किस जगह पे बल्दिया का गोदाम है। अलबत्त लकड़ियाँ पड़ी हुई है, और ये लकड़ियाँ तो इन्होंने लकड़ियाँ तो रेलवे का गोदाम नहीं है और एक पकवान सेंटर है। पकवान सेंटर में वैसे ही ये तो परचेज की हुई लकड़ी है, वो लकड़ी लग नहीं रही है मुझे, लेकिन और तो कोई गोदाम मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। और ये सारे हमने देख लिए इस एरिया में, और मेरा ख्याल है कि हमारे साथ उन्होंने झूठ बोला, झूठ बोलकर कि ये लकड़ी हम ले जा रहे हैं बल्दिया के ऑफिस में, लेकिन वो लकड़ी ले गए। इस एरिया में मुझे कहीं पे कोई गोदाम नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी एक आधे बंदे से तस्दीक कर लेते हैं कि आया इधर कोई गोदाम है या नहीं, और बल्दिया का कोई गोदाम है यहाँ पर? कोई लकड़ी खाली करने आया था अभी, गाड़ी कोई आई थी लकड़ी खाली करने? बल्दिया का कोई गोदाम है यहाँ पे? बल्दिया का कोई गोदाम है यहाँ? बल्दिया का कोई गोदाम नहीं। कोई लकड़ी लेकर आया था गाड़ी में मस्ते में? नहीं, हम तो अभी आया हूँ, मैं तो अभी आया हूँ। आप कितनी देर? मैं अभी आया हूँ, बस दो मिनट हुए होंगे बाइक। यार काफी देर से बैठे हुए आप? बैठे हुए? नहीं नहीं, पूछो, अभी आया हूँ। अच्छा, बल्दिया का यहाँ पे तो गोदाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। लकड़ी है लेकिन लकड़ी है वो नहीं है, दूसरी लकड़ी है, वो ताज़ा लकड़ियाँ कटी हुई है, और वो लकड़ी लोड कर लेकर डीसी साहब का नाम लेकर, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लेकर, एक शख्स ने टेलीफोन पे बात की कि मैं हेड मौली बात कर रहा हूँ बल्दियाला हैदराबाद का। बहरहाल मज़ीद इसकी हकीकत क्या है नेक्स्ट में देखें।